हेलो साथियों, आज हम लोग बात करेंगे जमाबंदी रजिस्टर क्या है, इसमें क्या क्या लिखा रहता है, यानी इसमें क्या ब्योरा रहता है, कितना क्या क्या इसमें रहता है, उसका जो है डिटेल्स के बारे में जानेंगे, और ये रजिस्टर किसके पास है हम उसके बारे में जानेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं रजिस्टर क्या है। तो जमाबंदी रजिस्टर एक रजिस्टर है जिसमें प्रत्येक किसान का खेसरा का लगान जो होता है उसमें लिखा रहता है, और ये रजिस्टर जो बनता है इस प्रकार बनता है कि जितना व्यक्ति के नाम से रजिस्टर तैयार होता है, जितना व्यक्ति के नाम से जो रजिस्टर तैयार होता है उतना ही व्यक्ति का उस रजिस्टर में जमाबंदी नंबर होता है, उससे ज्यादा नहीं। जितना व्यक्ति के नाम से रजिस्टर तैयार किया गया है उतना ही व्यक्ति का, यानी किसान का, रैयत का, जो बोलिए किसान को ही रैयत बोला जाता है, रैयत बोलिए, उतना का ही जमाबंदी नंबर उसमें रहता है। ये जो है एक और नाम से भी जाना जाता है, यानी ये होल्डिंग नंबर के नाम से भी ये जाना जाता है, इसे आप होल्डिंग नंबर भी बोल सकते हैं। और ये जो है हल्का कर्मचारी के पास रहता है, हल्का बोले तो राजस्व विभाग का जो कर्मचारी होता है, जो राजस्व कर्मचारी होता है वो उसके पास रहता है, और इसी के द्वारा वो प्रत्येक साल का जो लगान होता है उसका रसीद काटता है। तो हम लोग जान गए इस वीडियो में कि जमाबंदी रजिस्टर क्या है, इसमें क्या क्या रहता है, इसका क्या उपयोग है, ये किसके पास रहता है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। आज जो इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे होगा ये कि हमारा हर एक वीडियो जो क्लास बाय क्लास चलता है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। और जो और वीडियो देखना चाहते हैं मैथ का, थ्योरी का, जो भी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नहीं तो यहाँ पे एंड स्क्रीन पे कार्ड आएगा, उसको टच करके आप सब वीडियो वहां से देख सकते हैं। बस मिलते हैं अगले टॉपिक और अगले वीडियो के साथ।